हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। आज डेट है 14 दिसंबर और समय हो गया है शाम के 5:15। हमारी ट्रेन है पूर्वा एक्सप्रेस 540 की, जो कि हमें यहाँ से सीधा कोलकाता लेके जाएगी। बट हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम JCD जंक्शन पे उतर जाएंगे। हम जा रहे हैं बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। तो महादेव का नाम लेके चलते हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, तो अपना प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर हम आ गए हैं और हमारी पूर्वा एक्सप्रेस ये है। हेलो, गुड मॉर्निंग पटना से। गुड मॉर्निंग है जी, समय हो रहा है मॉर्निंग के 7:53, वही 8 बज गए। चलो ट्रेन भी चल गई हमारी। ये है जी पटना जंक्शन। वाह, तो तुम झकास है। और हम पहुंच गए हैं JCD जंक्शन, बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो ये थी हमारी पूर्वा एक्सप्रेस जिससे अभी हम आए हैं। अभी स्टेशन पहुंच चुके हैं JCD जंक्शन। अगर आपको बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं तो आपको दिल्ली से या जहाँ से भी आप आ रहे हैं, आपको JCD जंक्शन पहुँचना होगा। और उसके बाद यहाँ से 7 या 8 किलोमीटर के आसपास दूरी होती है, वो आप ऑटो या बस से, देखते हैं अभी क्या मिलता है। रास्ता बाबा बैद्यनाथ की तरफ जाते हुए ये देखिए, बिल्कुल बनारस ही। ओ सॉरी, बनारस कह रहा, हाँ बनारस, कुछ बनारस जैसे भी लग रहा है। बस थोड़ी दूरी पे बता रहे हैं बाबा बैद्यनाथ का मंदिर। जैसे हम स्टेशन पे आए, स्टेशन पर पहुंच के हमने ऑटो लिया। वहाँ पे आप शेयरिंग ऑटो भी ले सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल लेंगे तो आपको 150 रुपये चार्ज करेगा, 100 से 150 रुपये। और जैसे मैं शेयरिंग में आया तो उन्होंने सिर्फ 50 रुपीस लिए। कहीं धर्मशाला वगैरह या रूम देखेंगे, उसके बाद अपना चेंज करके फिर बाबा के दर्शन करेंगे। नहाने का वाला तालाब पोखरा। पोखरा, अच्छा। शिवगंगा। शिवगंगा। ये वो तालाब बाबा है। यही तला है यहाँ का। अच्छा, ये मेन तला ये है। हाँ, मंदिर है यहाँ का। ठीक है, जो हमारा लड़का आपका डेरा करवा देगा, 300 रुपया भाड़ा को कुछ ही करा दी। जो आगे नहावा धोवा गंगा जल फूल डाला, भोग पूजा करा दी, जाओ मेरे लड़के के साथ। दिल्ली से? दिल्ली से, दिल्ली रहते हैं। हरियाणा का? हरियाणा। कौन भाई हैं? जाट परिवार है। कौन भाई हैं आप, कौन जात हैं? हम वाल्मीकि हैं। वाह वाह, अच्छा हो चीज। हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो आ गए हैं हम झारखंड बिहार बाबा बैद्यनाथ जी के दर्शन करने। तो ये हमारा रूम है, मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने भी आके लिया है यहाँ पर। ये वॉशरूम है, ठीक है, साफ सुथरा है। ये अपना बैग रखा है और अभी नहा लिए धो लिए हैं, चेंज कर लिया है। तो चलते हैं बाबा के दर्शन करने। ये है अपना रूम, कीर्ति आश्रम। तो ये मंदिर जाने का रास्ता है, बिल्कुल हरिद्वार जैसा लग रहा है, काशी जैसा। हरिद्वार में भी ऐसी शॉप्स होती हैं,
और आपका हरिद्वार के बाद काशी में भी। देखते हैं कुछ फूल प्रसाद लेने, उसके बाद चलते हैं बाबा के दर्शन करने। जय हो बाबा। क्या जूता चप्पल? जूता चप्पल यहाँ से आगे नहीं जाएगा। अच्छा कैमरा वैमरा ले जा सकते हैं अंदर? हाँ कैमरा लेके जा सकते हैं। ये कौन सा पश्चिम द्वार है क्या? नहीं ये वीआईपी है। अच्छा वीआईपी गेट जाने देंगे अभी? पक्का? अभी भीड़ नहीं चल रहा, कोई भी नहीं। हर हर महादेव। ये लो जी वीआईपी द्वार है, ये बता रहे हैं भैया जी। भैया मंदिर किधर है? हा? मंदिर इधर है जी। है जय बाबा बैठना। भैया मंदिर यही है ना? उधर। अच्छा उधर है। आ गए हैं बाबा के पास, बाबा के चरणों में हाजिरी लगाने। बाबा जी को पास छोड़ देंगे ना, सब कुछ सेफ रहेगा। वाह भाई वाह। जय बाबा बैजी, जय बाबा बैजी। आ गए हैं जी बाबा की नगरी, बाबा बैद्यनाथ की नगरी। कौन सा फूल ला दो? ला दे दो महादेव जी के चरण करने। हर हर किधर से जाना है? संकल्प हुआ मंदिर के लिए जाना है। कहाँ लिया? जब ले लिया बताओ कहाँ जाना है। सब कर दे तुम अपना है। कहाँ है बस एंट्री बता दीजिए। प्रवेश द्वार। ये कैमरा वहाँ बंद हो जाएगा? अच्छा वहाँ बंद है। चलो ठीक है, 5,000 का बिल ले। चलो हम यही बंद कर देते हैं। तो दोस्तों हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। अपने दर्शन हो गए हैं, जस्ट अभी अभी दर्शन करके निकले हैं बाहर। ये आपका एग्जिट गेट है, यहीं से बाबा के दर्शन करके बाहर निकले हैं। तो बहुत बढ़िया दर्शन हुए बाबा को, छू के बाबा पे जल चढ़ा के, बाबा फूल पत्ते चढ़ा के, बहुत अच्छा लगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो आपको दिखाते हैं यहाँ मंदिर के आसपास के जो छोटे मंदिर हैं वो भी दिखाते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय प्यारे दर्शन हो गए आज की हाजिरी हमारी बहुत अच्छी लगी। शाम को फिर से आएंगे, आज स्टे यहीं पर करेंगे। अब यहाँ का खाना देखते हैं खाना कैसा मिलता है। लो जी अपना खाना आ गया, खाना खाते हैं। लेम का बाद में करते हैं। पनीर रोटी दाल एक तरह का दीजिए। खाना हो गया, खा लिया महाराजा थाली। और खाई कहाँ पर है? यहाँ पर साई शिवम पवित्र भोजनालय। तो 140 रुपए का खाना ओके था, कोई इतना डिलीशियस नहीं था कि मैं आपको कहूँगा, बट हाँ ठीक है, पेट भरने के लिए ठीक था। जो बोले बाबा नसीब है, बट जैसे रेस्टोरेंट दिखा था उस हिसाब से खाना नहीं मिला टेस्टी वैसे सोचा था, बट ठीक है। चलते हैं रूम पे और थोड़ा रेस्ट करेंगे और शाम को आरती अटेंड करेंगे भोले बाबा की। तो दोस्तों आपको दिखाता हूँ जहाँ पे हमने आज स्टे किया है, वो ये है भैया का गेस्ट हाउस रामदेव यादव। क्या नाम है आपके इसका होटल का? कृतिका आश्रम। ओके
भैया का होटल एक नंबर का है, अभी जस्ट आए और भैया के ही होटल में हमने स्टे किया है। और भैया कैसे क्या टैरिफ क्या आपके यहाँ का बता दीजिए रूम का। रूम का डबल बेड का 600 रुपया। ओके, और सिंगल बेड का? सिंगल नहीं, फोर बेड का आपका पड़ जाएगा नॉन एसी का 1200 रुपया, एसी 1800 रुपया, डबल बेड का एसी 1200 रुपया। ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ से सब जगह घूमने के लिए जाइएगा, बगल 2 मिनट लगेगा। जैसे कल मेरे को ये बताइए आप, जैसे गंगा जाने के लिए 2 मिनट लगेगा और यहाँ से मंदिर जाने के लिए, मंदिर का ओवर ब्रिज में है, 2 मिनट मंदिर जाने में। हाँ 2 मिनट, अभी जस्ट मंदिर से ही होकर आया हूँ दर्शन करके बाबा के, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव, अंदर आते एकदम पॉजिटिव हो रहा है। यस, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो थोड़ा रिलैक्स करते हैं, शाम को आरती देखने भी चलेंगे। हर हर महादेव। सिर्फ ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है जो हाफ रह गया, नहीं इससे ऊपर नहीं बन रहा है। लक्ष्मी नारायण मंदिर का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। अच्छा। हाँ, आप जैसे साउथ में आपने देखा होगा, साउथ साइड में लक्ष्मी नारायण जी को ज़्यादा पूजा जाता है। अच्छा। तो उसका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। नहीं, एक कहावत है ना, मुझे अब जैसे गंगा माता का मंदिर है। हाँ। आप गए होगे हरिद्वार? हाँ, बहुत बार में आपने देखा होगा, वैसा ही होता है मंदिर सारा, गंगा माता। बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, यहीं से होगी स्टार्ट आर। हर हर महादेव। दर्शन तो हम सबने दिन में कर लिए थे आते ही। अब बाबा की आरती का समय है, अभी बाबा का श्रृंगार हो रहा है और समय हो रहा है अभी शाम के 7:45 बज रहे हैं और तारीख आज 15 दिसंबर। अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगी बाबा की आरती, तो बाबा की आरती का आनंद लेंगे, आप भी आनंद लेना। हर हर महादेव। अभी समय हो गया है 7:40 और जस्ट अभी बाबा की आरती समाप्त हुई है। तो बाबा की आरती समाप्त हो गई है, हमने दर्शन तो दोपहर में ही कर लिए थे और अभी हम चलते हैं बाहर मंदिर प्रांगण से बाहर और अब कुछ खाते हैं। खाने के बाद अपना रेस्ट करेंगे, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है और सुबह चलेंगे वासुकीनाथ ज्योतिर्लिंग पे। तो दोस्तों आ गए हैं हम दोबारा से अपना, ये न्यू साई शिवम पवित्र भोजनालय है। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था दाल पनर, दाल बटर फ्राई। ये देखिए भाई, अपनी दाल आ गई है और अचार में खाता नहीं भाई, अचार में रोटी दे दीजिए आप, चपाती आ जाए रोटी और उसके बाद अपना खाना स्टार्ट करेंगे। सो भाइयों, अभी अपना भोजन भी हो गया है, बढ़िया खाना खा लिया, पेट भर गया। अब चलते अपने रूम पे, समय हो गया है 8:20।
क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना है हमें। वासुकी ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करने हैं जो कि यहाँ से 47 किलोमीटर दूर है। जल्दी उठेंगे, जल्दी दर्शन करके आके और अपना आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। हर हर महादेव।